भाई लोग आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच नंबर 12 है ना, इसमें इंडिया वुमेन्स के सामने होगी श्रीलंका की चोरियां। श्रीलंका वुमेन्स की बात करें तो भैया इन्होंने जो दो मैच खेले दोनों मैच हार गए। अगर यहां से एक आधा मैच और हारती है ना तो इनका सफर खत्म हो जाएगा, किसी भी हालत में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। तो श्रीलंका की छोरियां कैसे भी करके इस मैच को जीतना चाहेंगे, लेकिन जो इंडिया वुमेन्स की टीम है ये भी मैदान फतेह करने तो उतरेगी, क्योंकि इंडिया वुमेन्स पहले न्यूजीलैंड से एक मैच हार गई है, दूसरा मैच जीती है पाकिस्तान वुमेन्स के सामने। तो इंडिया वुमेन्स को भी लगातार सारे मैच जीतने पड़ेंगे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए। तो भारतीय छोरियां बोलेंगी छोरों से कम है कि हम कैसे भी करके मैच जीतेंगे, अगर इस साल रोहित शर्मा एंड कंपनी चैंपियन बन सकती है तो हरमनप्रीत कौर चैंपियन क्यों नहीं बन सकती। तो दोनों टीमें इस मैच में लड़ने वाली हैं, जोर लगाने वाली हैं। वैसे इंडिया टीम हमेशा बढ़िया परफॉर्म करती है, लेकिन श्रीलंका टीम को कम समझना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी एशिया कप के फाइनल में इंडिया टीम को हराकर चैंपियन बनी थी। अब ये दोनों टीमें आमने सामने हैं तो क्या श्रीलंका वुमेन्स फिर से करने वाला है मैदान फतेह जैसे एशिया कप के फाइनल में गया था, या इंडिया वुमेन्स करेगा पलटवार, लेगा पिछली हार का बदला। चलो एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं कौन सी टीम जीतेगी आज का ये मैच। वैसे अगर हम यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक इनके बीच में 23 मैच खेले गए, जिसमें से 18 मैच इंडिया वुमेन्स ने जीता, 5 मैच श्रीलंका वुमेन्स ने। जो इंडिया वुमेन्स की टीम है हमेशा श्रीलंका की लड़कियों को पिछाड़ती नजर आती है, तभी तो 23 में से 18 इंडिया जीता और 5 मैच जीता श्रीलंका। टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी तक 5 बार आमना सामना हुआ है टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया एंड श्रीलंका का, जिसमें से 4 मैच जीता है टीम इंडिया ने, 1 मैच जीता टीम श्रीलंका। यानी वर्ल्ड कप में भी जो इंडिया की परफॉर्मेंस होती है श्रीलंका की छोरियों के सामने तगड़ी होती है। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो इंडिया वुमेन्स ने 2 मैच जीता, 2 मैच जीता श्रीलंका वुमेन्स ने। तो आखिरी के 5 मुकाबलों में कहीं ना कहीं श्रीलंका की लड़कियों ने वापसी करी है, थोड़ा सा फाइट बैक किया है इंडिया वुमेन्स के सामने। तो क्या वो फाइट बैक, वो घमासान आज के मैच में देखने को मिलेगा, मतलब कौन सी टीम हारेगी कौन सी टीम जीतेगी, चलो एनालिसिस करके पता लगाते हैं। बस उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हो, और जिन लोगों ने पहले से करके रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, आप सभी को ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई लोग टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीतेगी, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलते हैं बनने के लिए ना लगभग उतने ही रन बनते हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको? कहीं भी ना मिलेगी, चिराग लेके ढूंढ लो पता चल जाएगा आपको। अगर आपको यकीन नहीं है तो ऐसा करो अभी तुरंत के तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है इस मैच में जो भाई के अपडेट है ना वो आपको चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, काम पसंद ना आए तब आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें भाई लोग, ये जो मैच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा, इस मैदान पे अभी तक 9 मैच खेले गए वुमेन्स टी20 के, जिसमें से 3 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड, 6 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज। अगर हम यहाँ पे देखें चेज डबल होता है डिफेंड कम होता है, क्योंकि 3 मैच में सिर्फ डिफेंड हुआ, 6 मैच में चेज। यानी इस मैदान पे पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। जो एवरेज स्कोर है 146 एवरेज स्कोर ठीक ठाक होता है, लेकिन अक्सर यहाँ पे जो टारगेट होते हैं वो चेंज होते हैं। यानी फिर से वही बात आती है, पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान है। क्यों है अभी बता रहा हूं ना, आगे बताऊंगा। अगर हम इस मैदान पर टारगेट चेंज की बात करें 142 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें तो 158 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो गए। वहीं दोस्तों 142 से 158 के बीच में स्कोर होगा तब क्या होगा, तब समझ जाना कि जो मामला है ना वो तो बराबर का है, जो कि चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो हार्ड सरफेस है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब तक बॉल नया होता 3-4-5 ओवर तब तक जो तेज गेंदबाज है जो स्विंग करवाती उनको थोड़ा बहुत हेल्प करता, जो उनकी बॉल थोड़ा बहुत दोनों तरफ स्विंग करती है घूमती, तो शुरू में बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ की कंडीशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पिच है बैटिंग कंडीशन है, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है तो थोड़ा बहुत जो स्पिनर्स गेंदबाज है स्लोवर गेंदबाज है उनको भी हेल्प करता है, तो इतने ज्यादा रन नहीं बनते, क्योंकि शुरू में थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों को हेल्प करता है, बाद में स्पिनर एंड स्लोवर गेंदबाजों को भी थोड़ा बहुत हेल्प करने लग जाता है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 58 से 70 मीटर की बाउंड्री है। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री की बात करें थोड़ा सा
मतलब ठीक ठाक बड़ी बाउंड्री है वुमेंस के हिसाब से, तो चौके छक्के इतने ज़्यादा आसानी से लगते नहीं, इसलिए यहाँ पे रन कम बनता है पहले इनिंग में। मीडियम स्कोरिंग मैच होता है, यानी पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 38 से 43 के बीच में देखने को मिल सकता है। बात करें 20 ओवर स्कोर की तो 140 से 155 के बीच में देखने को मिल सकता है। ये तो हुई पहली इनिंग की कहानी। अब पता दूसरी इनिंग में क्या होता, दूसरी इनिंग में होता क्या है कि जब तक बॉल नया होता थोड़ा बहुत जो हेल्प करता है न्यू बॉल से फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में वो हेल्प नहीं करती क्योंकि पिच थोड़ा सा यूज हो चुका होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर यानी ड्यू भी आ जाती है तो बॉल सीधे सीधे आती है, तो न्यू बॉल से तेज गेंदबाजों को हेल्प नहीं करता। जो बॉल होता है बैट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, बैटिंग करना आसान होता है। हाँ, जब बॉल पुराना होता है अगर ड्यू नहीं होती तब थोड़ा बहुत स्पिनर्स गेंदबाजों स्लोवर गेंदबाजों को हेल्प करता है, जब ड्यू नहीं होती, अगर ड्यू आती है तो स्पिनर स्लोवर गेंदबाजों को हेल्प करना बंद कर देता है कहाँ पर, दूसरी इनिंग में। इसलिए आपने देखा होगा कि पहली इनिंग में तेज गेंदबाज स्पिनर स्लोवर सबको थोड़ा बहुत हेल्प करता है, सेकेंड इनिंग में बड़ी मुश्किल से गेंदबाजों को हेल्प मिलती है, पिच बैटिंग के लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, इसलिए पहले इनिंग में रन कम बनते हैं, दूसरी इनिंग में रन ज़्यादा बनता है, इसलिए इस मैदान पर चेज ज़्यादा होता है, डिफेंड थोड़ा सा कम होता है। तो अभी आपने पिच के बारे में सब कुछ समझ लिया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर हम इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया वुमेन्स ने दो मैच खेला, एक जीता एक हारा, मतलब इंडिया इस मैदान पे एक जीता एक हारा। श्रीलंका की छोरियां इस मैदान पे पहली बार खेलेंगी, अभी तक दुबई के मैदान पे एक भी T20 मैच नहीं खेला, अब ये दोनों टीमें इस मैदान पे पहली बार खेलेंगी, तो कौन सी टीम बाजी करेगी, अपने ना जीत का झंडा लहराएगी, चलो पता लगाते। सबसे पहले हम इंडिया वुमेन्स की बात करते हैं, तो आप सबको पता है स्मृति मंधना एंड सैफाली वर्मा दोनों ओपन करने आती। स्मृति मंधना कमाल की स्टार बल्लेबाज है, लेकिन दो के दोनों मैच में स्मृति मंधना का बल्ला चला नहीं है भैया, दोनों मैच में आउट ऑफ फॉर्म दिखी है। अगर इंडिया वुमेन्स को बढ़िया करना है तो स्मृति मंधना को जल्दी से फॉर्म में लौटना पड़ेगा। सैफाली वर्मा की बात करें तो पहले मैच में नहीं चली थी, दूसरे मैच में ठीक ठाक बल्लेबाजी करे, और आप सबको पता जब जब सैफाली वर्मा चलती है मैच को एक तरफा कर देती है, ये विस्फोटक बल्लेबाज है, इनकी फॉर्म भी ठीक ठाक है। जेमी मार रोड्रिगस पहले मैच में ये भी ना चल पाई, लेकिन दूसरे मैच में काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस इन्होंने भी करी। ओवरऑल अगर हम एक दो साल से बात करें, जेमी मार रोड्रिगस की जो फॉर्म है काफी ज्यादा तगड़ी है, लगातार रन बनाते हुए आ रही है। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पिछले मैच में काफी ज्यादा बढ़िया बल्लेबाजी करी, हालांकि थोड़ा सा इंजुरी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है आज का भी मैच खेलेंगे क्योंकि जो इनकी फॉर्म में काफी ज्यादा अच्छी है, भले ही पहले मैच में ना चले लेकिन दूसरे मैच में इन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दिखाई। और हरमनप्रीत कौर की जो फॉर्म है वो थोड़ा सा बेहतर भी है, ये भी लगातार रन बनाते हुए आ रही है। लेकिन ऋचा घोष की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से जो इनका बल्ला है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चला नहीं है, पहले मैच में चली नहीं, दूसरे मैच में ज्यादा बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया। दीप्ति शर्मा की बात करें, एज ए ऑलराउंडर हमेशा बढ़िया परफॉर्म करती है, लेकिन अभी इस सीजन की बात करें तो जो दो मैच खेले, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, एक मैच में गेंदबाजी से फ्लॉप भी रही, बल्लेबाजी का एक मैच में नंबर आया नहीं, एक मैच में चल नहीं पाई। ओवरऑल जो फॉर्म है ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप में अभी तक दीप्ति शर्मा ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अरुंधति रेड्डी की बात करें तो कमाल की गेंदबाजी, हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करती भी है और दो मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करी, किफायती रही, विकेट चटकाए। चाहे न्यूजीलैंड के सामने बात करें वहां पर भी बढ़िया गेंदबाजी करी, और जो पाकिस्तान वुमेन्स के सामने खेला उसमें भी बढ़िया गेंदबाजी इनकी रही। पिछले मैच में एस सजना को खिलाया गया था पूजा वत्साकर की जगह पे, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत चोट लगी थी, अगर पूजा वत्साकर फिट होंगी तो वापस आ जाएंगे। एस सजना की बात करें तो ठीक ठाक ऑलराउंडर ये भी है, लेकिन पूजा वत्साकर का बराबरी करना जो एक्सपीरियंस है अभी उस लेवल से थोड़ा सा नीचे है। हालांकि पूजा वत्साकर की जो फॉर्म है ठीक ठाक है, लेकिन जो पहला मैच था उसमें से थोड़ा इंजरी की वजह से गेंदबाजी कर नहीं पाई थी ज्यादा, और बल्लेबाजी में चली नहीं। एस सजना को पिछले मैच में गेंदबाजी कराई गई, विकेट नहीं मिला, बल्लेबाजी का नंबर आया नहीं। बाकी अगर यहाँ पे श्रियंका पाटिल की बात करें तो श्रियंका पाटिल भी कमाल की गेंदबाज है, लेकिन अभी जो फॉर्म है थोड़ा सा आधी अधूरी है। श्रियंका पाटिल एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक मैच में थोड़ा सा महंगी साबित होती, विकेट नहीं निकाल पा रही, जबकि देखने को मिला न्यूजीलैंड के सामने ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाए, लेकिन पाकिस्तान वुमेन के सामने बढ़िया गेंदबाजी करी। बात करें आशा शोभना, तो आशा शोभना बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रही है, थोड़ा सा फील्डिंग का इशू है, फील्डिंग में बहुत सारे कैचेस छोड़ती है आशा शोभना, लेकिन गेंदबाजी हमेशा तगड़ी करती है, किफायती रहती है, विकेट चटकाती है, जो इनकी फॉर्म है तगड़ी है, दोनों मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी भी। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करें तो ये भी इंडिया टीम के लिए न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी हमेशा करके दिखाती है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में एक मैच में चली, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाई। थोड़ा कुछ टाइम से ऐसा देखने को मिल रहा, जो रेणुका सिंह है एक दो मैच में बढ़िया गेंदबाजी करती थी, एक दो मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करती थी। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, जो फॉर्म है ना वो थोड़ा सा आधी अधूरी नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप में, तभी एक मैच जीता एक मैच हारे। वहीं बात करें श्रीलंका की छोरियों की, जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है बिस्मी गुरुरत्ने और चमारी अट्टापट्टू, चमारी अट्टापट्टू की बात करें तो श्रीलंका वुमेन्स की जान एहसान है, हमेशा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करती है, जब ये चलती है तो श्रीलंका वुमेन्स मैच जीतती भी है, लेकिन पिछला जो दो मैच खेला दोनों मैच में चमारी अट्टापट्टू चल नहीं पाए, इसलिए लगता है मैच हारना पड़ा। एक
मैच में गेंदबाजी अच्छी करे, लेकिन बल्लेबाजी ओवरऑल दोनों मैचों में फ्लॉप रही। हालांकि एज ए ऑलराउंडर ठीक ठाक फॉर्म में है, इस वर्ल्ड कप के दो मैच हटा दिया जाए तो उससे पहले बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। बिश्नोई गुणरत्ने की बात करें, इनकी हमेशा से कहानी रहती है, एक मैच में चलती है एक मैच में नहीं चलती। जो दो मैच खेला, एक में बढ़िया पारी खेली, एक में थोड़ा सा फ्लॉप रही। या हर्षिता माधवी समर विक्रमा, इनकी भी कहानी वही है कि ये भी एक मैच में चलती है, एक मैच में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती। जैसे अभी दो मैच खेला, पहले मैच में फ्लॉप हो गए, दूसरे मैच में ठीक ठाक बल्लेबाजी करे, लगातार रन ये भी नहीं बना पाती। काविसा दिलहारी की बात करें तो ऑलराउंडर है, लेकिन ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस बहुत कम दिखती है। कभी एक आता मैच में एक आता विकेट ले लेती है, कभी पांच छह मैच में एक आता मैच में रन बना देती है। तो ओवरऑल जो काविसा दिलहारी है उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रहती। और अभी जो दो मैच खेला, दोनों मैच में बल्लेबाजी बिल्कुल भी बढ़िया ना कर पाई, गेंदबाजी फिर भी एक मैच में ठीक ठाक काविसा दिलहारी ने करी थी। नीलाद्री डी सिल्वा की बात करें, थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करने आती है, लेकिन थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी साबित होती है श्रीलंका वुमेन्स के लिए। अक्सर मैंने इनको देखा, थोड़ा स्लो मोशन में खेलती जरूर है, लेकिन रन हमेशा बना के देती है। जो पिछला दो मैच खेला, उन दोनों मैचों में भी नीलाद्री डी सिल्वा ने रन बनाए अपनी टीम के लिए। हसनी परेरा की बात करें, ये भी एज ए ऑलराउंडर खेलती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। मतलब 10 मैच में एक आता दो मैच में बढ़िया परफॉर्म करती, नहीं तो नहीं कर पाती। जैसे अभी जो दोनों मैच खेले हसनी परेरा, दोनों मैच में ना तो बढ़िया बल्लेबाजी कर पाई ना तो बढ़िया गेंदबाजी कर पाई, दोनों बार फ्लॉप। अनुष्का संजीवनी की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग इनकी मैंने देखी बहुत जबरदस्त करती है, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो अनुष्का संजीवनी भी ना बल्लेबाजी में थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। मतलब 10-12 मैचों में 2-3 मैच में बढ़िया पारी आती है, तो 7-8 मैच में अनुष्का संजीवनी एज ए बैटर फ्लॉप भी रहती है। बाकी गेंदबाजी की बात करें, सुगंधिका कुमारी शानदार गेंदबाज है, लगातार बढ़िया गेंदबाजी करती है, इनकी जो फॉर्म है वो भी अच्छी है। पिछले दोनों मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी भी, किफायती भी रही, विकेट भी चटकाए, बहुत बढ़िया फॉर्म है इनकी। लेकिन एनओसी प्रियदर्शनी की बात करें, जो इनकी फॉर्म है उतनी अच्छी है नहीं, कभी विकेट चटकाती कभी नहीं चटका पाती, जो फॉर्म है खराब है, दोनों मैच में इनको विकेट ना मिला। एनओसी प्रियदर्शनी थोड़ा सा महंगी भी साबित रही। लेकिन उदेशिका प्रभुधानी की बात करें, उदेशिका प्रभुधानी की भी जो गेंदबाजी रहती है हमेशा बढ़िया रहती है, इन्होंने भी दोनों मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करी, विकेट चटकाए और किफायती रही। पिछले मैच में इनोका रणवीरा को खिलाया गया, नई लड़की है लेकिन जब जब खेलिए बढ़िया गेंदबाजी करी और पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई भी। तो अगर हम यहाँ पे श्रीलंका वुमेन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी है ठीक है, एकाता गेंदबाज को छोड़कर बाकी की जो लड़कियां हैं बढ़िया गेंदबाजी कर रही, किफायती हो रहे हैं, विकेट चटका रहे, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, एक भी बल्लेबाज सही से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही, तभी जो दो मैच खेला दोनों मैच इनको हारना पड़ा। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के भी यहाँ पे कंपेरिजन करें तो जहां पे इंडिया वुमेन्स ने अपने आखिरी के 6 मैच पे 4 मैच जीती, 2 मैच हारी, वहीं सेम श्रीलंका आखिरी के 6 मैच में 4 मैच जीती, बस 2 मैच हारे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है श्रीलंका वुमेन्स का 146 बल्लेबाजी एवरेज जो होता है उससे हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। इंडिया की बात करें 173 का जो बल्लेबाजी एवरेज होता है ये काफी ज्यादा तगड़ा होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 7.21 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ये भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। जो इंडिया वुमेन्स के गेंदबाज है लगभग 150 के आसपास रन खाती है, जो बल्लेबाज है 173 तक पहुंच जाती, तभी आखिरी के 6 मैच में 4 मैच जीती, 2 मैच हारना पड़ा। बात करें श्रीलंका वुमेन्स के गेंदबाजी एवरेज की, इनका भी जो गेंदबाजी एवरेज है 7.44, इनका भी गेंदबाजी एवरेज ठीक ठाक है। श्रीलंका की भी जो लड़कियां 150 के नीचे नीचे रन खाती, लेकिन बल्लेबाज भी 150 तक ही पहुंचते हैं। हालांकि पिछले कुछ मैचों में जो क्लोज लड़ाई हुई थी वहां पे श्रीलंका वुमेन्स जीती, तभी आखिरी के 6 मैच में 4 जीते, बस 2 मैच हारे। तो रिजल्ट की बात करें तो दोनों टीमों का बिल्कुल एक जैसा है, 6 में से 4-4 जीत, लेकिन बल्लेबाजी एवरेज की बात करें जहां इंडिया वुमेन्स है श्रीलंका वुमेन्स से काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो यहां पर जो श्रीलंका की छोरियां कहीं ना कहीं इंडियन छोरियों को टक्कर दी है। गेंदबाजी एवरेज दोनों टीमों का बिल्कुल बराबर का नजर आ रहा। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी, जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, चलो अभी तुरंत के तुरंत हम आपको बता देते हैं। बस उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को कर दो लाइक। कर दिया सबने सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने पहले से करके रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है ना वो 65-35 है, 65 टीम इंडिया, 35 टीम श्रीलंका। और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो आज का ये मैच है ना टीम इंडिया अपने नाम पे करेंगे और बोलेंगे हम छोरियां छोरों से कम है के, और हम सेलिब्रेट करेंगे, इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे। बाकी आप सभी को मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलते हैं बनने के लिए ना, लगभग उतने ही रन बनते हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है। ओह अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में
सबसे पहला कमेंट है ना, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे, भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में भाई की अपडेट चेक करनी है, अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, काम पसंद ना है तब आप वापस चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन पहले टेलीग्राम पे जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।